कलाकार, एक कलाकार मैं कोरियोग्राफर, और कोरियोग्राफर के तौर पे और इस पूरे टैलेंट हंट का संचालन 4-5 सालों से मैं कर रहा हूँ। तो अनुभव के मामले में तो ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, खास करके जिस भी विधा को की खोज अगर करनी हो तो वो महोत्सव के मंच पे आइए और यहाँ आपको वो हर चीज़ें मिलेंगी जो आप देखना चाहते हैं, जिस भी विधा को देखना चाहते हैं, चाहे वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, फॉग हो, या हर कई प्रदेशों की अपनी अपनी नृत्य है, तो सबकी अपना अपना स्टाइल है और वो रियल में आपको इस मंच से गोरखपुर महोत्सव में देखने को मिलता है। निराय के लिए बहुत कठिन होता है ये निर्णय लेना कि किसको हम चयनित करें, क्योंकि सब इंटरटी और वेस्ट हर कोई करता है। सर, इस बार गोरखपुर महोत्सव में ज़्यादा कुछ प्रतिभा देखने को मिलेगा रियली, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव को हमने फर्स्ट टाइम भी जब हुआ था तब मैंने देखा था, और आज के गोरखपुर महोत्सव को देख रहा हूँ, एक नए स्वरूप में गोरखपुर महोत्सव अपने आपने कहा रहा है दिखा रहा है, और इस साल का जो गोरखपुर महोत्सव का कुछ तो खास होने वाला है, आपको मैं बता नहीं सकता है, इंतज़ार करना चाहिए सबको और उस मंच के सामने आना चाहिए जिससे कि आप देख सकें गोरखपुर महोत्सव की अद्भुत छवि। आदरणीय हम सब के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है वो रियली बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही इम्प्रेसिव होगा, हर जगह से कुछ खास होगा। मैं संदीप पांडे, भोजपुरी फिल्म कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर। और डांस इंडिया डांस DID ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पे, और सबसे पहले बात गोरखपुर महोत्सव से अगर मैं जुड़ा हूँ तो मंच संचालक एक एंकर के रूप में टैलेंट हंट शो प्रतियोगिता लगातार 5-6 सालों से मैं यहाँ इस मंच पे भी ऑडिशन का भी एंकरिंग करता हूँ और मुख्य मंच के इस कार्यक्रम का भी मैं ये संचालन करता हूँ, मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव रहा है।